शहरी विकास मंत्री सुरेश खन्ना आगरा नगर निगम पहुंचे, जहां उन्होंने निगम अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी और स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। मीडिया से मुखातिब हुए नगर विकास मंत्री ने सरकार की योजनाओं का जहां बखान किया, तो घोटालों के मामले पर चुप्पी साध गए। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना का कहना था कि जल्दी आगरा को गंगा जल मिलने जा रहा है, जिससे आगरा में जल संकट का हल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण 2019 के लिए सभी शहरवासी शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें, ताकि आगरा को नंबर एक बनाया जा सके। लेकिन जब मंत्री से गंगा जल योजना में घोटाला और स्मार्ट सिटी को लेकर अधिकारी की सुस्ती पर सवाल किया, तो मंत्री घोटालों के सबूत देने की बात कहते हुए वहां से निकल गए। उसमें पहला नंबर आए, ये हमारी अपेक्षा है और हम आप सबका सहयोग चाहते हैं कि हम लोग स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं। अगर स्वच्छता को हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या का अंग बनाएगा, तभी हम उसका परिणाम दे पाएंगे। और उसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है। 12 तारीख को आगरा में रैली निकालेंगे, 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता करेंगे, आपके वार्ड में कितनी सफाई है, किस स्तर की सफाई है और किन किन लोगों ने उसमें हिस्सा लेके बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से हम चाहते हैं पूरा आगरा साफ हो, सभी नगर पंचायतें, सभी नगर पालिका परिषद में ये अभियान चले। और जो हमारा राष्ट्रीय रैंकिंग है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में शुरू होगा 4 जनवरी से, उसमें उत्तर प्रदेश के अभी तक केवल 3 जिले सम्मानित हुए थे, गाजियाबाद, अलीगढ़ और समसर। और इस वर्ष चाहते हैं कि एक बेहतर प्रदर्शन सभी लोगों के सहयोग से हो, ताकि हम उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकें, हमारा स्तर बेहतर हो। साथ ही साथ आगरा के पानी की समस्या हमको मालूम है, 10-15 दिन में आपके सामने बहुत बड़ा परिणाम आने जाला है। सिकंदरा की तरफ से आपको जानकारी होगी भी और हमने उसमें बहुत रुचि ली है। फिरोजाबाद के भी जो समस्या थी उसको भी दूर किया और आगरा की करने जा रहे हैं। नेक्स्ट फोर्ट नाइट में आपको ये देखने को मिलेगा। साथ ही 74वें संशोधन की मांग चली आ रही है, अभी आपको 74वें संशोधन की जानकारी भी नहीं है। 74वें संशोधन से आधे से ज्यादा आपको चीजें हम उसमें दे चुके हैं। मंत्री, आगरा में एक सवाल मेरा ये है, आगरा में गंगा जल परियोजना में घोटाला हुआ और यहाँ MNT में घोटाला हुआ, आप कितने सारे घोटाले हो रहे हैं? आप दे दीजिए, हम उसमें जांच करवा देंगे।